हाँ, कुत्ते के बच्चे की आवाज। बिल्कुल रियल लग रही है, आप व्यूअर्स देख सकते हैं, बिल्कुल रियल आवाज लग रही है। बतख की एजाज भाई का टैलेंट ये है कि हर किस्म के जानवर की, हर किस्म के परिंदे की और हर किस्म के हॉरन की आवाज निकाल सकते हैं। मतलब ये हर किसी की आवाज निकालेंगे और वो बिल्कुल रियल लगेगी। आप बहुत ज्यादा एंटरटेन भी होंगे और आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे इनकी स्टोरी सुन के। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलाम, शुक्र अल्लाह पाक का करम लगा, बहुत अच्छा हूँ और बहुत खुश हूँ और सही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एक नहायत ही गरीब आदमी हूँ, लेकिन जज्ब फिल्म परिंदों की तरफ आते हैं कि परिंदों में आप किन किन परिंदों की आवाजें निकाल सकते हैं? कौवे की निकाल सकता हूँ, तोते की निकाल सकता हूँ, कोयल की निकाल सकता हूँ और जितने भी यानी के जानवर हैं उनकी मैं आवाजें निकाल सकता हूँ माशाल्लाह से। जानवरों में किन किन की आवाजें आप निकाल सकते हैं? गाय है, कुत्ता है, बकरी है, बकरा है, घोड़ा है और कुत्ते का बच्चा है, बिल्ली है और जैसे मुख्तलिफ जानवर हैं जैसे शेर है, हाथी है, इनकी आवाज़ें निकाल सकता हूँ। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितना मुश्किल ये काम है, हम तो सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके की हम आवाज़ें निकाल सकते हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, तो ये रियल टैलेंट है, ठीक है। तो अभी हमें निकाल के दिखाएंगे इस तरीके की आवाज़ें। एजाज भाई पहले हम परिंदों की तरफ आते हैं। जी जी जी, मुर्गे की आवाज़ कोयल के बस इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा ताकि इस वीडियो को रीच बढ़ सके, ये ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर लोगों तक पहुंचे। कव्वे की मुर्गी कबूतर की आवाज जज्बे तोते की आवाज निकालिएगा, जो जैसे पैरट होता है हैंड टेम करने वाला, इस तरीके के तोते होते हैं, मिट्ठू बेटे की। जज्बे चील की आवाज निकालिएगा, चिड़िया की। जी हाँ, घोड़े की आवाज निकालिए जज भाई, बिल्कुल रियल लग रही है, बिल्कुल रियल। अच्छा, अब जो है शेर की आवाज, भेड़िए की आवाज, डॉग इसके अलावा बिल्ली की आवाज, म्याऊ। अच्छा, बकरी की आवाज, गाय की, अच्छा जज भाई बकरीद भी आने वाली है 2 महीने के बाद, तो वो बकरों की बहुत डिमांड होती है, तो वो बकरे की आवाज निकाल सकते हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल रियल आवाज ये निकाल रहा है। असल में इनका रोजा भी है तो ये उस तरीके से आवाज नहीं निकाल पा रहा है। जब रमजान खत्म हो जाएंगे, जब भी एक इनकी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो, क्योंकि इनका रोजा ही उस तरीके से आवाज नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय जरूर कर रहे होंगे। बंदर की आवाज निकाल सकते हैं जज भाई, जज भाई गधे की आवाज, चूहे की आवाज,
एजाज भाई मेंढक की आवाज निकालिएगा। शेर के दहाड़ने की आवाज। अच्छा एजाज भाई जो है वो जिस तरीके से जानवरों की और परिंदों की आवाजें निकाल रहे हैं इसी तरीके से गाड़ियों के हॉर्न की भी आवाज निकाल सकते हैं। एजाज भाई बाइक के हॉर्न की आवाज, बस के हॉर्न की आवाज। अच्छा जीप के हॉर्न की आवाज, साइकिल की घंटी की आवाज, हवाई जहाज की आवाज निकाल सकते हैं। ट्रेन की आवाज, वीआईपी कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज निकाल सकते हैं आप। रेलगाड़ी जब स्टार्ट होती है उसकी आवाज निकाल सकते हैं आप? नहीं सर, उसकी नहीं निकाल सकता सर। ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये भी आपने करा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, इतना आसान काम नहीं था जो आपने करा है। दोस्तों एजाज भाई जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी जो है उसके कुछ ही फासले पे एक ऑफिस है, वहाँ पर जॉब करते हैं, प्योन की इनकी जॉब है और इनकी जो सैलरी है तकरीबन 25,000 रुपए है जिसमें 16,000 इनके घर का रेंट है। ठीक है, जब ये वो दे देते हैं तो इनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचते। जो मेरी सैलरी 25,000 रुपए मेरी सैलरी है भाई, देखें जब सैलरी जो मिलती है उसमें 16,000 रुपए तो मकान का किराया देता हूँ मैं, बाकी जो बचता है उसमें अपने आपको रेंट में आने जाने में, फिर खाना भी अपना घर से लेकर आता हूँ, खाना भी घर का होता है, फिर आने जाने में फिर घर का खर्चा है। हम तीन अफराद हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी बीवी और एक बच्ची है हमारी, हम तीन अफराद रहते हैं, हम किराए के घर में रहते हैं, 11D में घर हमारा है और मकान नंबर है 6/8। व्यूअर्स आप देख सकते हैं इनकी 25,000 रुपए सैलरी है जिसमें जो है वो 16,000 रुपए घर का रेंट दे देते हैं, इसके अलावा इनके पास सिर्फ 9,000 रुपए बचते हैं, उसमें इनका आने जाने का जो किराया लग जाता है ना, 3 बसें ये बदलकर ऑफिस आते हैं। ठीक है, तो इनका किराया ही तकरीबन 300 रुपए लग जाता है। यूपी से गुलशन, गुलशन से समझ लें, इनके पास 1 रुपया भी नहीं बच रहा है। इनके पास कीपैड मोबाइल मौजूद है जिसपे आप कॉन्टेक्ट करके इनसे मिलकर भी इनकी हेल्प कर सकते हैं, इनके पास कीपैड वाला मोबाइल है। ठीक है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप इनसे मिल सकते हैं, इनसे मिलकर इनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, ऑनलाइन इनको पैसे भेजना चाहते हैं, तो इनके पास टच मोबाइल तो है नहीं, ना इनका बैंक अकाउंट है, इनकी पियोन की सीधी साधी जॉब है। ठीक है, तो मैं अपना इजी पैसा वो बैंक अकाउंट आपको वीडियो में शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे ही आपके पैसे मुझ तक पहुंचेंगे तो मैं इन तक पहुंचा दूंगा और आपकी इनसे बात करवा दूंगा। ठीक है।